मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सदर विधानसभा सम्मेलन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। शामली के गढ़ी पुख्ता कस्बे में राष्ट्रीय सैनी सभा द्वारा माता सावित्री बाई फुले की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शामली के गढ़ी पुख्ता कस्बे के राष्ट्रीय सैनी सभा शामली द्वारा माता सावित्री बाई फुले की जयंती कस्बे में सर्वे हितकारी कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूराम सैनी व संचालन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी महेश सैनी के द्वारा किया गया। सभा में उपस्थित अतिथियों द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि रालोद जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नीरज जैन की द्वारा समाज की बालिकाओं को सावित्रीबाई फुले जैसे बनने तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार सैनी ने सरकार से मांग की कि महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी ने समाज से आह्वान किया कि बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने दें। इस भव्य कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे श्री बाबूराम जी जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्होंने सदैव समाज सेवा के लिए मुझे प्रेरित किया है। श्री मुकेश सैनी जी जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और उनके कार्यकाल में एक अपने क्षेत्र में उन्होंने जो छाप छोड़ी है वो वास्तव में तारीफ के काबिल रही है। श्री मैनपाल जी प्रमुख समाज सेवी थाना भवन जो सदैव निरंतर हमारा सबका हौसला बढ़ाते रहते हैं। डॉक्टर नीरज जी जो चौधरी अतर सिंह डिग्री कॉलेज थाना भवन में प्राचार्य हैं और जिला पंचायत की सदस्य है, वास्तव में जैसे एक पिता अपनी पुत्री को प्यार करता है, स्नेह करता है, वो भावना सदैव मेरे दिल में रही है उनके प्रति। और जब कभी भी कोई मेरे लायक सेवा हुई है या संगठन के लायक कोई सेवा हुई है वो सदैव उनके साथ खड़े रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि आज वो इसका अध्यक्षता कर रहे हमारे बाबूराम सैनी जी सैनी सभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सैनी जी, हमारी जिला पंचायत सदस्य नीरज सैनी जी, मेनपाल जी, सम्मानित मंच, सभी साथियों और मातृशक्ति सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे समाज में जन्मी सावित्रीबाई फुले जो हमारे देश में प्रथम शिक्षिका, आज उनका जन्मदिन हर शहर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़े खुशी की बात है, हम भी प्रसन्न है, हमारा मन प्रसन्न है कि हमारे पूर्वज जिनकी एक ऐतिहासिक कहानी रही, जिन्होंने वो शुरुआत की जिससे हमारा भारत महान है। बिना शिक्षा के हर फील्ड में आप जाए, बिजनेस में जाए, राजनीति में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन बिना शिक्षा के इंसान अधूरा है। मेरा बालिकाओं से, बच्चों से, सभी से निवेदन है कि शिक्षा को भली भांति तरीके से पढ़े लिखे, विद्वान बने, उस देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप में से ही निकल के जाएंगे जो हमारे देश में आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, आईपीएस होंगे। कभी भी अपने शिक्षा के फील्ड में अपने को हताश न मानना चाहिए कि आप में से हमारी बहन बेटियां जो आईपीएस है, आईएएस है, सब आप में से बनेंगे। शामली के गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव पिंडोरा में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन हुआ। शामली के उन तहसील क्षेत्र के गांव पिंडोरा जहांगीरपुर में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुधीर पवार ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है, क्योंकि भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुना करने के वायदे पर किसानों से वोट लिया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार कर्ज दोगुना हो चुका है। योगी सरकार ने बिजली के बिलों में भारी वृद्धि की है, जिसके कारण किसानों और मजदूरों को बिल चुकाना मुश्किल हो चुका है। कई कठिनाइयों को देखते हुए अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की, जिससे किसानों और मजदूरों को प्रतिमाह 1000 से 1200 रुपए तथा ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को 2000 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। मतलब शामली जो है अग्रिम रहा, वहाँ सभी सहयोग दिया आप लोगों ने, और इसके बावजूद मैं आपको बता दूं जिस दिन ये बिल वापस हुए शॉर्ट में, उस दिन आपने प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखा होगा, उन्होंने माफी के साथ साथ एक बहुत ही ऐसा शब्द कहा, शायद आपके जहन से जल्दी निकल जा बात, उन्होंने कहा मैं चंद लोगों को समझा नहीं सका। ये बात याद रखना, चंद लोग कोई दूर के नहीं है, वे चंद लोग आप ही हो, यानी के गांव के रहने वाले गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़ा, इन पर टैक्स था ये, क्योंकि अनाज भी सही मायने में गोदामों में बंद होने जा रहा था। जमीन का तो जो हाल होता 10 साल में, वो तो परमात्मा जाने आप पे बसती या नहीं बसती। खैर, आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि आपने वो कानून वापस करा लिया और प्रधानमंत्री ने चंद लोग बताए, इसलिए शब्द को याद रखना वोट डालते हुए। अगर ये सरकार दोबारा आएगी तो रोजगार तो बहुत दूर की बात है, आपके बच्चों के ट्रांसफर भी जौनपुर, फैजाबाद, अयोध्या, बहराइच, वहां मिलेगा सारा सारा का सारा जो आपका गुजारा कर रहे, क्योंकि गन्ने का तो भुगतान होता नहीं। साथ मंच पे जो बैठे हुए चौधरी विनय जी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, मांगेराम जी, शरीफ पलखेड़ी जी मलहंडी से जो बैठे हुए, आपने सबके विचार सुने। मेरा यहाँ आने का बताया, जैसे कि जो विनीत है और जो हमारे अजय जी जो है, कल शाम को इन्हें कहा गया था कि यहाँ पंडोरे में आना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि चलो हम लोग बैठेंगे। दो कारण है आने के, एक कारण तो ये है कि मैं यहाँ करीब 1-1.5 महीना पहले आया था, 1-1.5 महीना हुआ होगा, मैं यहाँ 2 वायदे करके गया था कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री और किसान की सिंचाई का वायदा शामिल कराऊंगा। कल अखिलेश यादव जी ने 1 जनवरी को जो वो बात करते हैं, तो दोनों चीजें मान ली कि अब की बार यदि सरकार बनेगी तो गांव में, जब ये दोनों चीजें लागू हो जाएगी तो गांव में किस